नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रॉम एकेडमिक टू कम्पिटिटिव इंग्लिश, मेरे यानी संतोष राजपूत के साथ। और आज का टॉपिक है यूपी बोर्ड के क्लास 11th के न्यू सिलेबस पर आधारित हॉर्नबिल बुक से वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। और इस टॉपिक को लिखा है गॉर्डन कुक और उनके साथी एलन ईस्ट ने। ये टॉपिक समुद्री एडवेंचर्स पर आधारित है। जिस टॉपिक का ही अर्थ अगर हम समझते हैं तो इसका अर्थ है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम मरने से नहीं घबराते हैं, इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सब साथ हो सकते हैं। तो इसके अनुसार ही समझ में आता है कि ये कुछ एडवेंचर्स पर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इन जुलाई 1976, जुलाई 1976 में माई वाइफ मैरी, सन जोनाथन 6, डॉटर सुजैन 7 एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड। मेरी पत्नी मैरी, पुत्र जोनाथन जिसकी उम्र 6 वर्ष थी, पुत्री सुजैन जो 7 वर्ष की थी, और मैंने इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से यात्रा शुरू की टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाई कैप्टन जेम्स कुक। उस संसार की यात्रा को दोहराने के लिए जिसको कैप्टन जेम्स कुक 200 साल पहले ही पूरी कर चुके थे। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, ए 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स वी हैड स्पेंड ऑल अवर लेजर टाइम होनिंग अवर सीफारिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स। मैरी और मैं जो 37 वर्षीय व्यापारी हूँ, हमने विख्यात अन्वेषक के रूप में समुद्री यात्रा करने का सपना देखा था, और पिछले 16 वर्षों के दौरान हमने अपना खाली समय ब्रिटेन की समुद्री जल में समुद्री यात्रा में प्रवीणता पाने के लिए जानकारी हासिल करने में बिता दिया। अवर बोट वेव वाकर ए 23 मीटर 30 टन वुडन हर्ल्ड ब्यूटी हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। हमारी नाव वेव वाकर जो 23 मीटर लंबी थी, 30 टन वजन वाली लकड़ी की बनी हुई नाव थी जो सुंदर तरीके से बनाई गई थी, और हमने महीनों तक उसको तैयार करने में बिता दिए थे, जो कि खराब से खराब मौसम में भी परीक्षण करने में खरी उतरी थी। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 ईयर 105,000 किलोमीटर जर्नी पास्ट प्लीजेंटली एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। 3 वर्ष की नियोजित यात्रा का हमारा प्रथम चरण बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक बीता, जिसमें हमने अफ्रीका के पश्चिमी तट से केप टाउन तक 105,000 किलोमीटर की यात्रा तय की। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सेगलर, टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द साउथर्न इंडियन ओशन। पूर्व की ओर चलने से पहले हमने वहाँ 2 नाविक साथ में लिए, एक अमेरिकी जिसका नाम था लैरी विजिल और दूसरा स्विस हर्ब सीलर। दुनिया के सबसे खराब समुद्रों में से एक दक्षिणी हिंद महासागर का सामना करने में सहायता करने के लिए। ऑन अवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगेन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। केप टाउन से बाहर दूसरे दिन हमने बहुत ही तेज आंधी का सामना करना शुरू कर दिया। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली, अगले कुछ सप्ताहों तक वे लगातार तेज चलती रहीं। गेल्स डिड नॉट वरी मी, उन आंधियों से तो हम चिंतित नहीं थे, बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, लेकिन समुद्र की उठने वाली लहरों से हम चौंक रहे थे। अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज अवर मेन मास्ट, जो करीब 15 मीटर तक ऊंची थी, लगभग उतनी ही जितना कि हमारी नाव का मुख्य मस्तूल ऊंचा था। मस्तूल का मतलब होता है एक पाल जिससे हवा के सहारे से नाव को आगे बढ़ाया जाता है। दिसंबर 25 फाउंड अस 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। 25 दिसंबर तक हमने अपने आप को केप टाउन से करीब 3500 किलोमीटर दूर पाया, डिस्पाइस एट्रोसियस वेदर।
यहाँ तक कि खराब मौसम के बावजूद भी वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री के साथ साथ हमने सुखद आशनक छुट्टियाँ गुजारी। न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। नव वर्ष का दिन आ गया यानी 25 दिसंबर के बाद से अब 1 जनवरी आ चुकी थी लेकिन मौसम में कोई सुधार नहीं हुआ। बट वी रीजन, लेकिन हमने ये विवेक लगाया दैट इट हैड टू चेंज सून, कि शायद ये शीघ्र ही मौसम बदल जाएगा। एंड इट डिड चेंज, और ये बदला भी फॉर द वर्स, लेकिन बद से बदतर हो गया। एट डाउन सुबह के समय ऑन जनवरी 2 जनवरी को द वेव्स वर जिगेंटिक, लहरें और भी ऊंची ऊंची हो गई। वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिप, हम एक केवल छोटी एक तूफानी पाल के साथ यात्रा कर रहे थे। एंड वी वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और अभी भी हम लगभग केवल 8 नॉट की गति से ही चल रहे थे। 1 नॉट का मतलब होता है 1.852 किलोमीटर। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, जैसे जैसे जहाज प्रत्येक लहर से चोटी तक ऊंचा उठ जाता था, वी कुड सी इनलेस इनॉर्मस सीज रोलिंग टुवर्ड्स अस, हमें दिखाई पड़ता था अनगिनत बहुत ऊंची ऊंची समुद्री लहरें जो हमारी ओर चली आ रही थी। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, और चीखती हुई हवाएं और फुहार हमें कानों तक दर्द से पैदा कर रही थी। टू स्लो द बोट डाउन, नाव को धीमा कर देना, वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप, हमने तूफानी पाल को भी गिरा दिया। एंड लेस्ट ए हैवी मूरिंग रोप इन ए लूप अक्रॉस द स्टर्न, और पीछे की ओर आर पार एक भारी रस्सी का फंदा भी बांध दिया। देन वी डबल लेस्ट एवरीथिंग वेंट थ्रू अवर लिफ्ट रैप्ड ड्रिल अटैच्ड लाइफ लाइन्स डंड ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड, तब हमने हर चीज़ को दोरी रस्सी से बांधा। जीवन नौका में बैठ गए, जीवन रक्षक पेटी को भी जोड़ लिया और जीवन रक्षक जैकेट भी पहन ली, और अब इंतजार करने लगे। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM, लगभग 6 बजे शाम आने वाली आपदा का पहला संकेत आया विद एन ओमनियस साइलेंस, जो मनहूस शांति के साथ था। द विंड ड्रॉप्ड, हवा कुछ कम हुई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और आसमान में अंधेरा सा छा गया। देन केम ए ग्रोइंग रॉर, तब दहाड़ता हुआ कुछ आया। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड एप्ट ऑफ द शिप, और एक बहुत बड़ा बादल जहाज के पिछले भाग पर ऊंचाई पर छा गया। विद हॉरर, डर के साथ आई रियलाइज्ड, मैंने ये एहसास किया दैट इट वॉज नॉट ए क्लाउड, कि शायद ये बादल नहीं होगा, बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, बल्कि एक लहर थी और इतनी बड़ी लहर हमने पहले कभी नहीं देखी थी। इट अपियर्ड परफेक्टली वर्टिकल, ये सीधे लंबवत खड़ी हुई थी। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और अन्य आने वाली लहरों से लगभग दूनी ऊंची थी। विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और ये ऊंची चोटी तक उठी हुई थी। द रॉर इंक्रीज टू ए थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव्स, एंड फॉर ए मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, जैसे ही जहाज का पिछला भाग लहर के ऊपर की ओर बढ़ा, शोर की गूंज अब गर्जना में तब्दील हो गई, और क्षण भर के लिए मुझे तो लगा कि हम उस पर ही सवार हो जाएंगे। ए टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, माई हेड स्मैश्ड इन टू द व्हील, एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, पर तभी एक बहुत बड़े विस्फोट ने जहाज के डेक को हिला दिया। हरे और सफ़ेद पानी की प्रचंड धारा जहाज पर टूट पड़ी, मेरा सिर तो पहिए से टकरा गया और मुझे लगा मैं जहाज के ऊपर उड़ रहा हूँ और लहरों के नीचे डूब रहा हूँ। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैंने तो अब मान ही लिया था कि अब आने वाली मौत है। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्सियसनेस, और जैसे जैसे मेरा होश ख़त्म हो रहा था, मतलब मैं बेहोश होता जा रहा था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मुझे शांति का अनुभव हो रहा था। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, अप्रत्याशित रूप से मेरा सिर पानी के बाहर आया। ए फ्यू मीटर्स अवे वेब वाकर वॉज नियरली कैप्साइजिंग हर मास्ट्स ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, कुछ मीटर दूर वेब वाकर लगभग पलटी हुई थी,
उसका मस्तूल लगभग 36 था। देन ए वेव हर्ड हर अपराइट माई लाइफ जैकेट जर्ड टॉट आई ग्रेबल्ड द गार्ड रेल्स एंड सेल्ड थ्रू द एयर इन टू वेब वॉकर्स मेन बूम। तब एक लहर ने बहुत जोर से उसे खड़ा धक्का मारा। मेरी जीवन रक्षक पेटी यानी लाइफ जैकेट धक्का खाकर तन गई। मैंने सुरक्षा प्रदान करने वाले रेलिंग को पकड़ लिया और हवा में तैरकर वेब वॉकर के मुख्य पाल यानी डंडे से टकरा गया। सब्सिक्वेंट वेब्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक ए रैग डॉल। लगातार लहरें मुझे कपड़े की डॉल की तरह उछाले जा रही थीं। माय लेफ्ट रिब्स क्रैकल्ड मेरी बाई पसली चटक गई। माय माउथ फिल्ड विद ब्लड मेरे मुंह में खून आ गया एंड ब्रोकन टीथ और दांत भी टूट गए। सम हाउ आई फाउंड द व्हील किस तरह मुझे पहिया मिल गया। लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन और अगली लहर के लिए पिछले भाग को सील में किया और मैं उसी पर ही लटक गया। वाटर वाटर एवरीवेयर हर जगह पानी ही पानी था। आई कुड फील मैं अनुभव कर सकता था दैट द शिप हैड वाटर बिलो कि जहाज के नीचे पानी है। बट आई डेयर नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट लेकिन इस बात का पता लगाने के लिए मैंने डर की वजह से पहिया नहीं छोड़ा। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपियर्ड अचानक सामने का छोटा द्वार खुला और मैरी वहां पर दिखाई दी। वी आर सिंकिंग हम डूब रहे हैं सी स्क्रीम्ड वो चीखी। द डेक्स आर स्मैश्ड जहाज की छत भी टूट चुकी है। वी आर फुल ऑफ वाटर हम पानी में डूबे हुए हैं। टेक द व्हील पहिया पकड़े रहो आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच मैं चिल्लाया जैसे ही मैं छोटे द्वार की ओर तेजी से गया। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन लैरी और हर्ब तो पागलों की तरह पानी को बाहर निकाले जा रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ग्ड इनवर्ड्स क्लॉथ्स क्रॉकरी चार्ट्स टिन्स एंड टॉयज स्लॉस्ड अबाउट इन डीप वाटर टूटी हुई लकड़ियाँ अजीबोगरीब तरीके से लटकी हुई थीं। सारी स्टारबोर्ड साइड अंदर की ओर फूल गई थीं। कपड़े क्रॉकरी चार्ट टिन और खिलौने गहरे पानी में डूब चुके थे। आई हाफ स्वाम हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन मैं कुछ तैरता हुआ कुछ सरकता हुआ बच्चों के केबिन तक पहुंचा। आर यू ऑल राइट क्या तुम सब ठीक हो आई आस्क मैंने पूछा। यस हाँ दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक उन्होंने ऊपर वाली बर्थ से जवाब दिया। बट माई हेड हर्ट्स ए बिट लेकिन मेरा सिर दुख रहा है सेड सू सू मतलब सुजैन ने कहा पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प अबव हर आइज अपनी आंखों के ऊपर एक गुलमा जो पड़ गया था उसकी ओर इशारा करते हुए उसने कहा। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स सिर में बने हुए गुलमे पर के बारे में चिंता करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर स्क्रूज एंड कैनवस हथौड़ा स्क्रू और कैनवस पाने के बाद यानी पाल को मैं जब मैंने पा लिया उसके बाद आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक मैं संघर्ष करते हुए जहाज की छत पर पहुंचा। विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ट ओपन और स्टारबोर्ड साइड को भी खोल दिया। वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव प्रत्येक लहर के साथ साथ पानी अंदर आ रहा था दैट ब्रोक ओवर अस जो हमारे ऊपर टूट पड़ता था। इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स अगर मैं कुछ उसकी मरम्मत नहीं कर सकता वी वुड श्योरली सिंक तो ये निश्चित था कि हम सब डूब जाएंगे। समहाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास किसी तरह से मैंने कैनवास को फैलाया एंड सिक्योर वाटरप्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स और मुंह खोले हुए छेदों को उससे मैंने ढक दिया। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो कुछ पानी नीचे तब भी जाता रहा बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बींग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड लेकिन ज़्यादातर पानी अब उसकी वजह से रुक चुका था। मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन अवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पंप्स शॉर्ट सर्किटेड
और ज़्यादा समस्याएं तो तब उत्पन्न हो गई जब हमारे हैंडपम्प केबिन के चारों ओर बहने वाले मलबे से बंद होने शुरू हो गए और बिजली का पंप भी शॉर्ट सर्किट की वजह से खराब हो गया था। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली और जल का स्तर भी अब काफ़ी अधिक बढ़ चुका था। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर टू स्पेयर हैंडपम्प्स हैड बीन रेंज्ड ओवरबोर्ड। भयंकर रूप से पानी का स्तर जब ऊपर बढ़ गया था, डेक पर वापस आकर मैंने देखा कि हमारे दो अतिरिक्त हैंडपम्प ऊपर बोर्ड पर ऐंठे हुए पड़े हैं। अलॉन्ग विद द फॉरस्टेसेल द जिब द डिंगीज एंड द मेन एंकर और हमारे मस्तूल का सहारे देने वाले रस्सी के साथ साथ तिकोने पाल डोंगियाँ और मुख लंगर भी ऐंठ चुके थे। देन आई रिमेम्बर्ड, तब मुझे याद आया, वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पम्प अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, कि चार्ट रूम फ्लोर में एक और इलेक्ट्रिक पम्प पड़ा हुआ है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, तब मैंने उसको एक निकासी वाले पाइप के साथ जोड़ दिया। एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड, और इस बात के लिए हम कृतज्ञ थे कि ये काम कर रहा था। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन इंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पम्पिंग स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। रात बहुत लंबी दिख रही थी और बहुत ठंड भी थी। पानी निकालने, जहाज को चलाने और रेडियो का काम करते रहना इस समय जारी रहा। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू अवर मे डे कॉल्स, संकट का संकेत भेजने के बावजूद भी हमें कहीं से भी कोई जवाब प्राप्त नहीं हो पा रहा था। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन द दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, जो वास्तव में आश्चर्यजनक कोई बात नहीं थी क्योंकि हम दुनिया के सबसे दूर के कोने में थे। सूज एड हैड सोलन अलार्मिंगली, सू का सिर काफ़ी दिक सूज गया था। सी हैड टू इनारोस ब्लैक आइज, उसकी दो बड़ी काली आँखें थीं। एंड नाउ सी सोड अस ए डीप कट ऑन हर आर्म, और अब उसने मुझे दिखाया उसकी बाँह में एक गहरा घाव भी हो गया था। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई सी हैडन्ट मेड मोर अपर इंजरीज बिफोर दिस, जब मैंने उससे पूछा कि तुमने पहले अपने चोटों के बारे में क्यों नहीं बताया, सी रिप्लाइड, तब उसने जवाब दिया, आई डिडेंट वॉन्ट टू वरी यू, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। वेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, जब आप हम सबको बचाने का प्रयास कर रहे थे। बाई मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 जनवरी की सुबह तक द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशेंटली अंडर कंट्रोल, पम्प्स जो चल रहे थे उन्होंने पानी काफ़ी अधिक मात्रा में बाहर निकाल दिया था और पानी का स्तर अब कंट्रोल में था। फॉर अस टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन, और अभी भी हमें 2 घंटे का वक्त चाहिए था जिससे कि हम सब कुछ व्यवस्थित कर सकते। बट वी स्टिल हैड ए ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन, लेकिन कहीं ना कहीं वाटर लाइन में अभी भी पानी अंदर आ रहा था। एंड ऑन चेकिंग, और इसके देखने पर आई फाउंड, मैंने पाया दैट नियरली ऑल द बोट्स मैन रिप फ्रेम्स वर स्मैश डाउन टू द कील, कि जहाज का नीचे का ढांचा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। इनफैक्ट वास्तव में देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप ए होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट ए फ्यू कपबोर्ड पार्टीशंस, वास्तव में अलमारियों के कुछ खानों के सिवाय जहाज के मुख्य भाग के स्टारबोर्ड के सारे सेक्शन का कोई चीज कुछ भी थामे हुए नहीं था। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट, बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग एनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। लहरों की चोट के बाद भी हम 15 घंटे से जीवित थे, लेकिन वेव वॉकर पर्याप्त समय तक हम सबको इकट्ठा नहीं रख सकती थी जिससे कि हम ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएं। आई चेक्ड अवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स ए फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट। मैंने चार्ट में इस बात को जांचा और ये अनुमान लगाया कि करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व दिशा में 2 द्वीप हैं। वन ऑफ देम ईल एम्स्टर्डम, उनमें से एक है। ईल एम्स्टर्डम वाज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जो फ्रांसीसी का वैज्ञानिक शिविर था। अवर ओनली होप वाज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन, हमारी उम्मीद केवल यही थी कि हम विशाल महासागर में इन छोटे छोटे द्वीपों तक पहुंच जाएंगे। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड हॉइस्ट सेल, आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड।
पर जब तक हवा और समुद्र शांत नहीं हो जाते और हम जहाज नहीं चला सकते, वास्तव में हमारे अवसर कम ही थे। द ग्रेट वेव हैड पुट अवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। विशाल लहरों ने साथ वाले हमारे इंजन को बेकार कर दिया था। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग वी रीच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। 4 जनवरी को 36 घंटे लगातार पानी को बाहर निकालने पर पानी कुछ सेंटीमीटर नीचे तक पहुंच गया था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। लेकिन अब हमें गति बनाए रखनी थी कि पानी जो अंदर आ रहा था उसको लगातार बाहर निकालते रहें। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। लेकिन मुख्य मस्तूल के साथ हम बिल्कुल ही यात्रा नहीं कर सकते थे। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज्ड सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट, सो वी हॉस्टेड द स्टॉर्म जिप एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड्स वर। जहाज के मस्तूल को सहारा देने वाली और पालों को नियंत्रित करने वाली रस्सियों पर दबाव जहाज के मुख्य भाग के क्षतिग्रस्त सेक्शन को केवल खींच सकता था। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स एंड वी एट अवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 डेज। मैरी ने कुछ कॉर्न बीफ और करारे बिस्कुट निकाले और हमने लगभग 2 दिन में पहली बार भोजन किया था। बट अवर स्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड। लेकिन हमारी राहत कुछ समय के लिए ही रही। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। 4 बजे शाम को काले बादल हमारे पीछे फिर बनने शुरू हो गए। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots। 1 घंटे के अंदर में ही हवा की गति करीब 40 knots प्रति घंटे हो गई। एंड द सीज वर गेटिंग हायर। और समुद्र की लहरें भी ऊंची ऊंची उठने लगीं। द वेदर कंटिन्यू टू डिट्रॉइटेड थ्रू आउट द नाइट। मौसम पूरी रात भर खराब से खराब होता चला गया। एंड बाई डॉन ऑन जनवरी 5 और 5 जनवरी की सुबह तक अवर सिचुएशन वाज अगेन डिस्परेट। हमारी स्थिति फिर से निराशाजनक हो गई। When I went in to comfort the children, जब मैं बच्चों को सांत्वना देने के लिए अंदर गया, John asked, तब John ने पूछा, Daddy, are we going to die? पिताजी, क्या अब हम मरने वाले हैं? I tried to assure him, मैंने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, that we could make it, कि हम कोशिश कर सकते हैं। But Daddy, लेकिन पिताजी, he went on, उसने कहने जारी रखा, we aren't afraid of dying, हम मरने से नहीं घबरा रहे हैं। If we can all be together, अगर हम सब साथ बने रहें, you and mummy, Sue and I, आप और मम्मी, सुजैन और मैं। I could find no words with which to respond, अब मेरे पास कोई शब्द नहीं थे कि मैं उसको जवाब दे पाता। But I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had, और अब मैंने बच्चों की केबिन को छोड़ दिया और ये दृढ़ संकल्प किया कि जो भी मेरे पास है उन सब से मैं समुद्र का सामना करूँगा। To protect the weakened starboard side, I decided to have to with the undamaged port hull facing the oncoming waves using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 2 22-liter plastic barrels of paraffin. जहाज के मुख्य भाग का जो सेक्शन क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था उसे मैं उठाऊं भारी नायलॉन रस्सी और 22 लीटर पैराफीन के 2 प्लास्टिक बैरल को तात्कालिक समुद्री लंगर के लिए प्रयोग करते हुए। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स। उस शाम को मैरी और मैं हाथ पकड़े हुए बैठे थे। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स। टूटे हुए तख्तों से लहरों का पानी अंदर आने लगा था। वी बोथ फेल्ट द एंड वाज वेरी नियर। हम दोनों समझ चुके थे कि अंत अब पास में ही है। बट वेव वाकर रोड आउट द स्टॉर्म। लेकिन वेव वाकर उस तूफान का सामना करते हुए बाहर निकल आई। एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 और 6 जनवरी की सुबह तक विद द विंड ईजिंग हवा कुछ कम हुई। आई ट्राई टू गेट ए रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। मैंने सेक्सटेंट पर गणना लेने का प्रयत्न किया। बैक इन द चार्ट रूम, वापस में चार्ट रूम में गया। आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स और हवा की गति के बारे में काम किया। चेंजेस ऑफ कोर्स रास्ते
बदलने के बारे में विचार किया, ड्रिफ्ट एंड करंट इन द एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, और हमारी वर्तमान स्थिति के बारे में भी मैंने आकलन करने का प्रयास किया। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वाज दैट वी वर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशन लुकिंग फॉर ए 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। सबसे अच्छी बात जिसका मैं निश्चय कर सका था ये कि हम 150,000 किलोमीटर अंदर महासागर में किसी स्थान पर हैं और 65 किलोमीटर चौड़ी द्वीप को तलाश कर रहे हैं। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं सब सोच ही रहा था, सू मूविंग पेनफुली ज्वाइंड मी, सू भी मेरे पास आई और बैठ गई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी सूलन, और उसके सिर पर बाई ओर काफ़ी अधिक सूजन थी। एंड हर ब्लैकेंड आइज नैरोड टू स्लिट, और उसकी काली आंखें भी सक्रिय हो गई थी सूजन की वजह से। शी गेव मी कार्ड सी हैड मेड, उसने कार्ड बनाया था हुआ था उसने वो मुझे दिया। ऑन द फ्रंट सी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी, और उसने कार्टून बनाया हुआ था जिसमें मैं था और मैरी थी, विद द वर्ड्स, जो शब्दों से उसने संजोए थे। हेयर आर सम फनी पीपल, यहाँ पर कुछ मजाकिया लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या तुम्हें वो हंसा सकते हैं। आई लाफ्ड ए लॉट एज वेल, मैं भी इस पर हंस पड़ा। इन साइड वॉज ए मैसेज, अंदर एक संदेश था। ओ हाउ आई लव यू बोथ, मैं आपको आप दोनों को कितना प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू, और इसलिए कार्ड का मतलब ये है कि मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। लेट अस होप फॉर द बेस्ट, और हमें अच्छे से अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। सम हाउ वी हैड टू मेक इट, कुछ भी हो हमें प्रयास करना चाहिए। आई चेक्ड एंड री चेक्ड माई कैलकुलेशंस, मैंने अपने गणनाओं को बार बार परीक्षण किया। वी हैड लॉस्ट अवर मेन कंपास, हमारा मुख्य कंपास खो चुका था। एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर, और एक अतिरिक्त कंपास का मैं प्रयोग कर रहा था। विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, जो मैग्नेटिक वेरिएशन की वजह से वो सही काम का नहीं कर रहा था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, मैंने इसको धीरे धीरे दर्शाया तथा हिंद महासागर के इस भाग में बहने वाली पश्चिमी धाराओं का भी अनुमान लगाया। अबाउट 2 PM, लगभग 2 बजे शाम को, आई वेंट ऑन डेक, मैं जहाज की छत पर गया। एंड आस्क लैरी टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 degrees, और लैरी से मैंने कहा कि वो 185 degree मोड़ दे। If we were lucky, अगर हम सौभाग्यशाली हैं, I told him with a conviction, तो मैंने एक आश्वासन के साथ उससे कहा, I did not feel, जो मैं अनुभव तो नहीं कर रहा था, he could expect to see the island at about 5 PM, कि वो उम्मीद कर सकता है कि शाम के 5 बजे तक वो हमें द्वीप मिल जाएगा। Then with a heavy heart, तब दुखी मन से, I went below, मैं नीचे गया, climbed on my bunk and amazingly dozed off, मैं ऊपर की बर्थ पर चढ़ गया और अब मैं सो भी गया। When I woke, it was 6 PM, जब मैं जागा तो शाम के 6 बज चुके थे। And growing dark, और अंधेरा हो रहा था। I knew we must have missed the island, मैं जान गया था कि शायद हमने अब द्वीप खो दिया है। And with the sail, और नाव चलाते चलाते, we had left, इसको हमने कहीं पीछे छोड़ दिया। We couldn't hope to beat back into the westerly winds, हम पश्चिम से बहने वाली हवाओं को हरा नहीं सके। At that moment, a tousled हेड अपियर्ड बाई माई बंक, अचानक एक बालों वाला सिर मेरी बर्थ के सामने दिखाई दिया। कैन आई हैव ए हग, क्या आपको मैं गले से लगा सकता हूँ, आज जोनाथन, जोनाथन ने पूछा। सू वॉज राइट बिहाइंड हिम, सू भी उसके ठीक पीछे खड़ी हुई थी। वाई एम आई गेटिंग ए हग नाउ, अब मुझसे गले क्यों मिला जा रहा है, आई आस्क, मैंने पूछा। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि आप पूरे संसार में सबसे अच्छे पिता हो। एंड द बेस्ट कैप्टन, सबसे अच्छे कैप्टन हो, माई सन रिप्लाइड, मेरे पुत्र ने जवाब दिया। नॉट टूडे जॉन, आई एम अफ्रेड, जॉन आज तो नहीं, मुझे इस बात का डर है। वाई यू मस्ट बी, क्यों आपको होना चाहिए, सेड सू इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, बिल्कुल आश्वासन की भावना से सू ने जवाब दिया। यू फाउंड द आइलैंड, आपने वो द्वीप पता लगा लिया है। वाट, क्या, आई शाउट, मैं चिल्लाया। इट इज़ आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, ये ठीक हमारे सामने है। दे चोरस्ड अस एज बिग एज बैटल शिप, उन्होंने एक स्वर में कहा, वो इतना बड़ा है जैसे कि विशाल समुद्री युद्धपोत होता है। आई रस्ट ऑन डेक, में दौड़कर जहाज की छत पर गया। एंड गेज्ड विद लीप एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ ईल एम्स्टर्डम, और ईल एम्स्टर्डम के भूदृश्य को पूरी सीमा रेखा के साथ निहारता रहा।
इट वॉज ओनली ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, ये ज्वालामुखी चट्टान का केवल ठंडा एक खंड था। विद लिटिल वेजिटेशन, जिस पर बहुत ही कम वनस्पति थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, संसार का शायद ही सबसे सुंदर द्वीप था। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, रात भर के लिए हमने अपने लंगर डाल दिए। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड चीयर्ड अस एज दे हेल्प्ड अस अशोर, और अगले दिन प्रातः द्वीप के सभी 28 रहने वाले लोगों ने हमें खुश कर दिया क्योंकि उन्होंने तट पर पहुंचने में हमारी मदद की थी। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन माई थाट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्ब, चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस एंड ऑफ मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स। फिर से जमीन पर पैर पड़ते ही मैं लैरी और हर्ब के विषय में विचार करने लगा जो मुश्किल क्षणों में खुश व आशावादी रहे थे, और मैरी जो संकट काल में व्हील को धाड़ किए हुई थी। मोस्ट ऑफ ऑल, हम में से बहुत से लोग, आई थॉट ऑफ ए 7-year-old girl, मैंने उस 7 वर्षीय लड़की के बारे में विचार किया, हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी, जो हमें परेशान नहीं कर देना चाहती थी, अबाउट ए हेड इंजरी, जबकि उसके सिर में चोट लगी थी। विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 minor operations टू रिमूव ए रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल, उसकी खोपड़ी और स्किन के बीच में जो रक्त का थक्का जम गया था उसको निकालने में 6 टांके भी लगाने पड़े। एंड आप 6-year-old boy, और उस 6 वर्षीय लड़के के बारे में विचार किया, हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो मरने से नहीं डर रहा था। तो ये था लेसन, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update.